हालेलुया, जय प्रभु यीशु की। आज की सुबह आइए हम अपनी आराधना को हम आरंभ करेंगे गीतों के द्वारा, उसकी जय जयकार करें प्रभु यीशु की, जो सारी आराधना के योग्य है, स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया, क्या आप उस तैयारी से आए हैं? आमेन। अभी भी लोग आ रहे हैं और वो आते रहेंगे, लेकिन हम लोग अपने आराधना को आरंभ करें। और मैं चाहूंगा कि हम खड़े होकर हम उसके आदर में प्रशंसा करते हुए, हम आवाजों को उठाकर ताली बजाते हुए हम जय जयकार करें यहोवा परमेश्वर की, जो सारी स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, आदर और महिमा के योग्य है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, जय प्रभु यीशु की। आइए हम लोग मिलकर गाएं। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारण हारा। आप गाएं, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारण हारा। ओ एल शद्दाई, एल शद्दाई, सर्वशक्तिमान तू है। उसकी जय जयकार करें, आमेन। यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारा, एब्नेज़र अभी तक तू मेरे साथ है, एब्नेज़र एब्नेज़र अभी तक तू मेरे साथ है। परमेश्वर के जो हम बाइबल में पाते हैं, सबसे पहला नाम एल शद्दाई, और जो नाम हम लोग गाते हैं उसका अर्थ भी गा रहे हैं। एल शद्दाई का अर्थ है सर्वशक्तिमान। एल जो एल शब्द है, एल शब्द इब्रानी में परमेश्वर का है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान, एल शद्दाई, परमेश्वर सर्वशक्तिमान। उसके बाद हमने गाया एबेनेजर, एबनेजर का अर्थ है यहोवा जो मेरे संग है, मेरे संग संग चलने वाला यहोवा, वो अर्थ है एबनेजर का। और फिर तीसरा शब्द हमने गाया एल रोई,
एल रोई शब्द का अर्थ है एल यहोवा और रोई चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा। ठीक है, तो ये जो शब्द है ये कोई यो ही बनाए हुए शब्द नहीं है, ये इब्रानी शब्द है, यहोवा के विशेष नाम है। सो इसीलिए मैं चाहता हूं आप अर्थ के साथ और बड़े समझ के साथ आप गाएं। तो जब हम गाते हैं एल रोई, हम ये गा रहे हैं हे यहोवा तू मेरा चरवाहा है। जब हम गाते हैं एबनेजर, हम ये गा रहे हैं प्रभु तू मेरे संग रहने वाला यहोवा परमेश्वर। जब हम कहते हैं एल शद्दाय, हम ऐलान करते हैं सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। एल रोई, एल रोई। जो एल शद्दाय है, वो जो एबनेजर है आपके लिए और मेरे लिए, जो एल रोई है, वो हमारा अपना परमेश्वर है, हमारा अपना यहोवा है, वो कोई पराय नहीं है, हमारा अपना है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए हम आनंद के साथ गाते हैं आज, जबकि दुनिया भर में आज के दिन को मातृ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, मदर्स डे के रूप में। यहाँ पर जितने भी माँ हैं हम आपको हैप्पी मदर्स डे बोलते हैं। प्रभु यीशु आप सबों को बहुत आशीष दे और प्रभु आपकी अगुवाई करे और आपको चलाए, आपको बुद्धि दे, समझ दे, साथ में प्रार्थना के लिए एक बोझ दे। ये हमारी प्रार्थना है कि आप जो माता हैं आप अपने परिवार के लिए एक प्रार्थना का स्तंभ आप बने। ये हमारी प्रार्थना और कामना है आपके लिए। सो बाइबल कहती है जैसे माता संभालती है वैसे हमारा यहोवा परमेश्वर हमें संभालता है। आमीन। बाइबल कहती है एक दूध पिलाती माँ भले ही अपने छोटे को भूल जाए लेकिन यहोवा परमेश्वर अपनों को कभी नहीं भूलता है। हालेलुया। ये है वो परमेश्वर, हमारा अपना। वो केवल ईश्वर नहीं है, वो हमारा अपना है, हमारा अपना पिता है। हालेलुया। उसने कहा है इस बात को। आमीन। हालेलुया। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Lord Jesana Koi. Kai ye mere saath. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Summer tea.
संभव नीचे जो आपके तुलना में पाया जा सके। ओ प्यारे परमेश्वर, आज की सुबह आपको वो आदर देते हैं जिसके आप योग्य हैं, आपको वो महिमा देते हैं जिसके आप योग्य हैं, आपकी हम स्तुति और प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप ही योग्य हैं। आपके जैसा कोई नहीं, आपके सिवाय कोई नहीं, आपको छोड़ कोई नहीं, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी में और ना पृथ्वी के नीचे। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों ना हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर, अपनी आवाजों को उठाकर उसकी हम जय जयकार करें, उसको हम धन्य कहें। हालेलुया। वो जो हमें जीवन देने वाला यहोवा परमेश्वर, हमारे दिल को धड़कन, दिल की धड़कन को बनाए रखने वाला यहोवा परमेश्वर, वो जो हमें संभालता है, हमें चलाता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। हमें सांस देने वाला यहोवा परमेश्वर, आज यदि हम जीवित हैं तो केवल इस कारण प्रभु यीशु की कृपा और करुणा हम पर बनी हुई है, और कोई वजह नहीं है। हम इस बात पर घमंड नहीं कर सकते कि हम अच्छे स्वास्थ्य में हैं इसीलिए हम जीवित हैं। नहीं मेरे प्रियो, हम यदि जीवित हैं तो केवल इस कारण प्रभु यीशु की करुणा और कृपा हम पर बनी हुई है। हालेलुया। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जीवन हमारा नहीं है, ये जीवन हमारा नहीं है, ये जीवन प्रभु यीशु का है। हालेलुया। इसीलिए जबकि हमारे हाथ उठे हुए स्वर्ग की ओर समर्पण में, आराधना में, हम ये कह रहे हैं, हे यहोवा परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, मैं आपका हूं, आपने मुझे बड़ी कीमत चुकाकर आपने मुझे मोल लिया है, तो आज यदि हम हैं भी अस्तित्व में तो केवल आपकी कृपा, आपके कारण ही। इसीलिए हम कहते हैं आप हमारे जीवन के स्वामी हो, आप हमारे आधार हो। हालेलुया। धन्य हो प्रभु यीशु।
उसकी आराधना करें। हालेलुया, अपने शब्दों में उसकी आराधना करें, क्योंकि वो ही योग्य है। हालेलुया, धन्य हो प्रभु यीशु, तू महान सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है, तू ही योग्य है, तू ही योग्य है। तेरे जैसा कोई नहीं है, स्वर्ग में भी आपकी आराधना जैसे होती है, उसी समान पृथ्वी पर भी आपकी आराधना होने पाए यहोवा परमेश्वर। ओ यीशु 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 हिरमासे जैसा कौन है, तेरे जैसा कौन है, तेरे जैसा कौन है, आराधना के योग्य यहोवा परमेश्वर, स्तुति के योग्य यहोवा। सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि, सारी भूमंडल यहोवा की आराधना करे। और हम जो उसके प्रजा के लोग हैं, हम अपनी आवाजों को उठाकर सृष्टि के साथ मिलकर, सारे सृष्टि के साथ मिलकर हम भी उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। ओ धन्य धन्य हो यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर धन्य हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जबकि हमारे हाथ स्वर्ग की ओर उठे हैं, उस एलोहिम, उस अदोनाय, उस यीशुआ की ओर, जिसने अभी तक हमें संभाले रखा है। हालेलुया। और जबकि हम अपने मुख से उसका धन्यवाद को आज की सुबह करते हैं, अपने सरों को उसके सिंहासन के समक्ष झुकाते हुए। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें आज की सुबह, जो सारे आदर के योग्य है, सारी स्तुति के योग्य है, सारी प्रशंसा के योग्य है, सारी महिमा के योग्य परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप ही वो परमेश्वर हैं जिसने हमें सृजा, और वही जो हमें आज भी संभाले रखे हुए हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरी दया, तेरी करुणा और तेरे महान प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, जिस कारण आज की सुबह हम तेरे स्थान पर खड़े होकर, तेरे भवन में खड़े होकर अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना को कर सकते हैं आजादी के साथ। हम धन्यवाद देते हैं पिता, होने दे आपके लोगों पर आपका आशीष होने पास, अपनी
पवित्र आत्मा के चलन को आप हमारे बीच करिए। हालेलुया। आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं। आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं, और जो बच्चे संडे स्कूल के हैं, कृपया करके अपने संडे स्कूल की ओर आप जाइए और संडे स्कूल की कक्षा की ओर बढ़िए। और आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर के इस भवन, परमेश्वर के इस मंदिर में आप सबका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की, ये थोड़ा ठीक था, जय मसीह की। और याद रखिए, हम जब परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, सबसे उत्तम हम उसे देना सीखे, चाहे वो स्तुति में हो, चाहे प्रशंसा में हो, चाहे हमारी भेंटें हो। इसलिए हम आज की सुबह अपनी आराधना को जारी रखेंगे, अपनी भेंटों को देने के द्वारा, अपनी विश्वास प्रतिज्ञाएं, दसवां भाग या जो कुछ भी हम उसे देने के लिए लेकर के आए हैं, आज की सुबह हम देंगे। और होने दे, जैसे हम देते हैं, बड़े धन्यवादित हृदयों के संग उस परमेश्वर को दे। हालेलुया। आइए हम एक प्रार्थना को, एक विनती को परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे, जबकि हम इस भेंट को परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं, और इस बात को मानते और जानते हुए कि सब कुछ तो आप ही के लिए और आपके द्वारा बनाया गया है, हर एक आशीष का स्रोत आप ही हैं। और इसलिए पिता, वो आशीषें जो आपने हमें दी हैं, उनमें से एक छोटा भाग हम पिता परमेश्वर धन्यवादित हृदयों के संग, बड़ी उदारता के संग आपको वापस लौटाते हैं। होने दे पिता, इस भेंट पर आपका आशीष हो, देने वालों पर आपका आशीष हो। अगर तेरे लोगों के बीच में कोई भी आवश्यकताएं पाई जाती हैं, होने दे अपनी इच्छा अनुसार अपने समय में आप उन ज़रूरतों को पूरा करिए। आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं। आमेन। Praise the Lord to everyone, and so nice to see everybody here this morning. और आप सबको जय मसीह की। और आज की सुबह आप सबको यहाँ देखकर मैं बड़ा आनंदित हूँ। This day is a very special day. और ये दिन एक खास दिन है। And we praise the Lord for all special days. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक खास दिन के लिए। And there are certain days the world over they celebrate. और कुछ ऐसे दिन हैं जो विश्व भर में मनाए जाते हैं। Christmas. जैसे क्रिसमस है। And the Resurrection Sunday. और जो रिजरेक्शन या पुनरुत्थान का रविवार। And what else? Mother's Day. और मातृ दिवस। Very important day. जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। So today is what Mother's Day. और इसलिए आज के दिन हम मातृ दिवस को मना रहे हैं। I thought Mother's Day should be every day is a Mother's Day. अब मुझे ये मानना जरूरी है, और मैं ये सोचता हूँ कि हर दिन मातृ दिवस है। You know, we can survive without a father, but we cannot survive without a mother. और एक पिता के बिना हम रह सकते हैं, लेकिन एक माँ के बिना रहना बड़ा मुश्किल है। Now, how many of you mothers are happy that you are a mother? और आप में से कितनी माएँ खुश हैं कि आप एक माँ हैं? You are really happy that God made you a mother. और आप खुश हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको माँ होने का सौभाग्य दिया। I have met certain couples. और मैं कुछ ऐसे जोड़ों से मिला हूँ। And even after 3 years, they have no children. और 3 सालों के बाद भी उन्हें अभी तक बच्चा नहीं है। So recently I met such a couple. और बड़े जल्द ही मैं, हाल ही में ही मैं एक ऐसे ही जोड़े से मिला। So I asked them why any problem? मैंने उनसे पूछा क्या समस्या है? They said no problem. कोई समस्या नहीं। We are just planning our. लेकिन हम तो योजनाएं बना रहे हैं। When we should have a child. कि कब हम एक बच्चे को करेंगे? And how many children we should have? और कितने बच्चे होने चाहिए? So we are just planning. और इसलिए सिर्फ योजना बना रहे हैं। And the truth is not that. लेकिन सच्चाई ये नहीं है। Some ladies get there in a hurry to get married. और कुछ जो महिलाएं हैं वो बड़ी जल्दी में रहते हैं शादी करने के लिए। But they are not in a hurry to be a mother. लेकिन वो जल्दी नहीं करते एक माँ बनने के लिए, या माँ नहीं बनना चाहती। So I found out the reason. और मैंने कारण जाना। The reason is that once you become a mother, you know you look old. क्योंकि एक बार अगर आप माँ बन जाएंगे तो आप थोड़ा सा बूढ़े या वृद्ध दिखाई देंगे। I don't want to be old. मैं बूढ़ी नहीं दिखना चाहती। अयो,
Don't make that mistake. और ये ऐसी गलती आप ना करें. I know couples who made that mistake when they found out that wife is pregnant, they aborted the child immediately. क्योंकि मैं ऐसे जोड़ों को भी जानता हूँ कि जिन्हें ये पता चला कि उनकी बीवी या पत्नी जो है वो गर्भ से है और उन्होंने उस बच्चे को गिरा दिया. And when she wanted to have a child, लेकिन जब दोबारा वो बच्चा पाना चाहती थी, she is not able to conceive. वो कभी दोबारा वो बच्चा नहीं उन्हें प्राप्त हुआ. God is not mocked. याद रखिए आप परमेश्वर का ठट्ठा या उसका मजाक नहीं उड़ा सकते. If you get a child and you become a murderer of that child, और अगर आपको परमेश्वर एक संतान देता है और आप उसके खूनी खून कर देते उसका खून ही बन जाते हैं. God is not going to give you another child. तब परमेश्वर आपको दूसरा संतान प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं देगा. God cannot trust you. क्योंकि परमेश्वर आप पर भरोसा नहीं कर सकता. And mothers, और इसलिए माए, you must be proud of the fact that you are a mother. और आप जितनी माए यहाँ बैठी आप सबको ये गर्व होना चाहिए कि आप एक माँ. I'm going to speak this day as a mothers. I have never, I never observe these days. I don't even know when they come and go. मैं तो इन दिनों को मनाता भी नहीं हूँ और यहाँ तक जानता भी नहीं कब ये आते हैं और कब जाते हैं. And usually it is Sami who reminds me. You know, Sunday morning he comes. You know, today is Mother's Day. और ये पास्टर सैमी ही हैं जो सुबह आकर मेरे कान में बोलते हैं कि क्या पता है आज मातृ दिवस है. I say, I don't know what is the date today. I don't know whether. और मैं उनसे कहता मुझे नहीं पता कौन सा दिन है. So I have never preached here a Mother's Day message. और इसलिए मैंने कभी भी इस कलीसिया में मातृ दिवस के ऊपर किसी संदेश को नहीं रखा. But this time, one week ago, he told me. लेकिन इस बार एक हफ्ते पहले उन्होंने मुझे बता दिया था. This Sunday will be a Mother's Day. कि इस रविवार को मातृ दिवस है. Of course, I didn't give any attention to that. और उस बात के प्रति मैंने कोई बड़ा उसे हल्के रीति से लिया. मैंने कोई उस पर ध्यान नहीं लगाया. What Mother's Day? Mother's Day is every day is a Mother's Day. क्योंकि हर दिन एक माँ का दिन है. And it's a Father's Day. और एक पिता का दिन. Days come and go. क्योंकि ये दिन आएंगे और जाएंगे. But then, when I was sitting to prepare my message, लेकिन जब मैं बैठा था अपने संदेश को तैयार करने के लिए, I suddenly remember that today is Mother's Day. तब मुझे अचानक से याद आया कि आज के दिन मातृ दिवस है. So for the first time, और इसलिए पहली बार, the Lord gave me a message. परमेश्वर ने एक संदेश को मुझे दिया. To speak to the congregation on Mother's Day. कि क्या मैं आप कलीसिया से मातृ दिवस के ऊपर बात करूं? And so, what I am going to share with you is very, very important. I would like you to listen very carefully. और मैं जो आपसे बांटने जा रहा हूँ बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूँ बड़े ध्यान से आप इसे सुनिए. And our text is Isaiah chapter 66. और हमारा जो वचन है वो हमने लिया है यशया नबी की पुस्तक उसका 66 अध्याय. You know, Isaiah is considered to be a mini Bible. और यशया नबी की पुस्तक को आप अगर उस पुस्तक को पूरे बाइबल से पवित्र शास्त्र से अलग कर दें वो अपने आप में एक छोटी पुस्तक है. I just want to have a small test this morning. और एक छोटी सी परीक्षा में आज की सुबह लेना चाहता हूँ. So how many books the Bible contain? कि बाइबल में कितनी किताबें मौजूद हैं? 66. Okay, how many of you can recite the 66 books without stopping? और आप में से कितने उन 66 किताबों के नाम को बता सकते हैं बिना रुके? अच्छा, one is there. Oh yeah, there are some. That is a shame that most of the people cannot recite the names of the book. ये बड़ी शर्मनाक बात है अगर हम विश्वासी हैं लेकिन हम इन 66 किताबों के नाम को नहीं बता सकते. That is still what we say is sahikable. Sahikable means it is can still be forgiven. इसलिए हम इस बात कहते हैं ये माफ किया जा सकता है. But what cannot be forgiven? लेकिन कौन सी बात नहीं माफ की जा सकती? A believer who has been a believer for 10 years, 15 years, even now when I ask you to open the Bible, they have to go to the contents. Index. और yes, जो माफ नहीं किया जा सकता index. वो ये है कि आज के दिन भी जब मैं आपको कोई वचन बताता हूँ तो आप उस किताब को ढूंढने के लिए बाइबल का जो पहला पन्ना जिसे इंडेक्स कहते हैं उस पर जाते हैं और किताब को देखते हैं कि कौन से पृष्ठ संख्या पर वो किताब है और जाकर उसे खोलते हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए इफ आई टेल यू टू ओपन टू द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मलाकाई और अगर जैसे उदाहरण के तौर पर मैं मलाकाई रचित सुसमाचार को आपको खोलने के लिए कहूँ तो
How many of you can find that book? आप में से कितने उस समाचार की पुस्तक को खोल सकते हैं? Oh, my goodness, there are so many people who. और आप बड़ी अच्छी बात है, आप में से कितने लोग इस पुस्तक को खोल सकते हैं? अरे माय असेंबलीज ऑफ गॉड में पैदा हुआ, बड़ा है, इतना साल हमने पढ़ा, मैंने अभी तक गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मालाकी आई कुडंट फाइंड एनी. मैं असेंबलीज, अच्छा आपने हिंदी में बोली, देयर आई डोंट हैव टू ट्रांसलेट. दैट मींस यू आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग. इसका मतलब ये है कि आप ध्यान नहीं लगा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ. So listen carefully. इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए. There is no gospel according to Malachi. और याद रखिए, मलाकाय रचित सुसमाचार कोई है ही नहीं. Malachi was a prophet. क्योंकि मलाकाय जो है या वो एक नबी है, या मलाकी जो है वो एक नबी है. The last book of the Old Testament is the book of Malachi. और जो अंतिम पुस्तक है पुराने नियम की, उसे हम मलाकी नबी की पुस्तक में मौजूद. Malachi was a prophet. और वो एक नबी, एक भविष्यवक्ता था. And it is a very important, though there are only very few chapters, a very important book. भले ही वहाँ पर कुछ ही अध्याय मौजूद हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है. So I want you to open to book of Isaiah. मैं चाहता हूँ यशायाह नबी की पुस्तक. Chapter 66. उसका 66 अध्याय. Verse 13. और 13वां वचन. Thank you, Jesus. Did you find that? Yep. Go ahead and read it. यशायाह नबी 66वां अध्याय 13वां वचन. जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी. It's Mother's Day. और ये मातृ दिवस है. And it is an anniversary that escalates year after year. और ये एक ऐसी सालगिरह है जो हर साल दर साल आती है. एंड द ग्रेटेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ दिस डे, मदर्स डे सेलिब्रेशन, आर द कॉमर्स, द बिजनेस पीपल. और इस दिवस का जो सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होता है वो है व्यवसायियों को, या व्यवसाय करने वाले लोगों को. एवरी मदर्स डे, और हर मातृ दिवस के दिन, यंगस्टर्स alone are expected to spend many millions of dollars all over the world in buying some gifts or presents to their mothers. Ki jawan hi kai lakhon aur karodon rupiyon ko apni maaon ko tohfe dene mein kharch kar dete hain. It is a staggering amount. Aur ek ye bahut bada paisa hai. And for the greeting cards, aur wo jo greeting cards wo khareedte hain, these greetings as a company is, and it's their best day apart from Christmas day. aur ye greeting cards ki jo companies hain, karkhane hain, ya ye vyavsay hain, unke liye matra divas Christmas aur naye saal ke baad sabse bada दिन है जहां उन्हें सबसे बड़ा व्यवसाय मिलता है. The same with the telephone companies. और ऐसा ही ये मोबाइल कंपनियों के संग भी कहा जा सकता है. If you try to tomorrow or even today, already started, if you open as a, how many hundreds and hundreds of messages to the mothers. और आप अगर खोले और देखे कितने सैकड़ों की संख्याओं में संदेश आपको प्राप्त मिल जाएंगे. You know why a mother is so important? और आपको पता है क्यों एक माँ इतनी महत्वपूर्ण है? Mothers, you better love me today, okay? I am speaking about you. और जितनी माएँ हैं, आप मुझसे और ज़्यादा प्रेम करिएगा, क्योंकि मैं आपके विषय में संदेश को रख रहा हूँ. A mother fills the house. क्योंकि एक माँ एक घर को भरती है. And that is very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है. She is the very life of a house. और वो एक घर का जीवन होती है. And there are husbands who don't think much of this role of a wife. और कई सारे पति ऐसे हैं जो पत्नी की जो भूमिका है उसे बड़ी हल्की रीति से लेते हैं. And she never complains. क्योंकि वो कभी शिकायत नहीं करती. Whatever she does it quietly. क्योंकि वो जो कुछ करती है बड़ी शांति के साथ करती है. And she is
she is in a house, she is everywhere. और वो अपने घर में हर जगह आपको मिल जाएंगी. You know about a husband? और एक पति के विषय में क्या कहें? If he is sitting in front of a TV, that is the only place he is. और अगर वो एक टीवी के सामने बैठे हैं तो वही स्थान पर वो पाए जाएंगे. Or with a newspaper, that is the only. और अगर अखबार के संग बैठे हैं तो सिर्फ उसी स्थान पर. And not only that. और सिर्फ इतना ही नहीं. A mother can do 101 thing simultaneously. एक माँ 101 बातों को एक साथ करने के योग्य है और करती हैं. Now hundreds of things is a little exaggeration. और मैं जब कहता हूँ 100 बातें एक साथ तो हो सकता है कुछ ज़्यादा लगे. But the reason I use that expression is to let you know that a mother is capable of concentrating and doing several things at the same time. लेकिन इस बात को मैंने एक उदाहरण के रूप में इसलिए आपसे कहा ये बताने के लिए कि कैसे एक माँ की भूमिका ऐसी है कि वो कई सारी बातों को बड़े ध्यान के साथ एक ही समय में कर सकती है. And husbands, next time you watch your wife if you have a school going children. और इसलिए जितने पति हैं जब अगली बार आप अपनी पत्नी को देख रहे हो जैसे खास रीति से वे जिनके पास स्कूल जाने विद्यालय जाने वाले बच्चे हैं. A child is going to kindergarten. और मान लीजिए एक छोटा बच्चा है वो प्लेग्रुप या किंडरगार्टन में जा रहा है. And the child above that is class 1. और उससे बड़ा बेटा या बच्चा जो है वो पहली कक्षा में. And you watch a mother in the morning. और देखिए एक माँ को सुबह. She is in the kitchen. वो किचन में भी पाई जाएगी. Preparing their tiffin. और उनके जो खाने के टिफिन्स हैं उनको तैयार कर रही है. And giving their milk. और उन्हें दूध भी पिला रही है. And then the little fellow come crying, "Mommy, and the socks? कहाँ socks?" और जो छोटा वाला है वो दौड़ते हुए आएगा कहेगा सॉक्स नहीं मिल रहा. And she has to run to the bedroom. और उनके कमरे में दौड़ना पड़ेगा उस सॉक्स को ढूंढने के लिए. And one socks is under the bed and another socks only she knows. और एक सॉक्स बिस्तर के नीचे और एक सॉक्स सिर्फ उन्हीं को पता है कहाँ पर. And then collect all the books. और सारी किताबों को इकट्ठा करें. And then meanwhile the milk is on the stove. और उस तब तक वो दूध उस चूल्हे पर गर्म हो चुका होगा. She runs there. और वो वहाँ भाग कर वापस. And something else that the school bag. और वो जो बस्ता है विद्यालय ले जाने के लिए. She runs around. She is everywhere. She is in the sitting room. She is in the bedroom. She is in the bedrooms and she is in the kitchen and she is everywhere. और इसलिए एक माँ घर के हर एक कोने में है चाहे वो किचन हो चाहे वो लिविंग रूम हो चाहे वो उनका बेडरूम हो घर के हर एक कोने में वो दौड़ती हुई दिखेगी. And even a visitor comes visiting our homes. एक मान लीजिए कोई मेहमान उनसे मुलाकात करने के लिए घर आता है. There is a great difference you feel when there is only a man living there and not the wife. और एक बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा जब एक सिर्फ वहाँ पर पति मौजूद हो या एक पुरुष मौजूद हो और पत्नी ना हो कोई महिला मौजूद ना हो उनका स्वागत करने के लिए. The visitors don't feel fun coming to a place where there is no mother. और एक मेहमान को उस स्थान में आने में मजा नहीं आएगा जहां पर एक माँ मौजूद ना हो. Mother come, mother is there. और जब माँ वहां मौजूद होगी, visitor feels very comforted. तब उस मेहमान को बड़ा आरामदायक महसूस होगा. She welcomes them. क्योंकि वो उनका स्वागत करेगी. And then she runs the kitchen. और फिर वो भाग कर किचन जाएगी. While husband is sitting like a king there. और वहां पर जबकि पति जो है एक राजा के समान बैठा है. They are talking. और वो बात कर रहे and हैं. Then tea is ready. और तब चाय तैयार हो जाएगी. She brings the tea. और वो चाय लेकर के आएंगी. And she is everywhere. और इसलिए वो हर एक स्थान पर है. A man, I'm not blaming a man. Man is not meant for that, it seems. और मैं किसी जितने पुरुष यहाँ पर हैं आप बुरा मत मानिए मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा किसी पे दोष नहीं लगा रहा लेकिन हम है ही ऐसे. You understand? आप इस बात को समझिए. There are certain gifts a man does not possess which a woman possesses. कि कुछ ऐसे तोड़े हैं या तोहफे हैं जो एक महिला के पास हैं जो एक पुरुष के पास नहीं है. Suppose I am reading newspaper. मान लीजिए मैं एक अखबार पढ़ रहा हूँ. Or watching TV. या टीवी देख रहा हूँ. That is the only thing I can concentrate. वो सिर्फ एक ही बात होगी जिसकी ओर मेरा ध्यान लगा होगा. If I am sitting in front of TV. और अगर मैं मान लीजिए टीवी के सामने बैठा हूँ. Watching TV. और टीवी देख रहा हूँ. और वाचिंग न्यूज और सीरियल और वॉट एवर इट मे बी. और चाहे मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ वहाँ पर न्यूज सुन रहा हूँ. एंड अ सन और अ डॉटर और चाइल्ड कम्स रनिंग. और एक मेरा बेटा या बेटी या वो बच्चा भाग करके मेरे पास आता है. एंड डिस्टर्ब डैडी. और वो मुझे परेशान करता है पापा. व्हाट यू विल से. आप क्या कहेंगे. व्हाट डू यू वांट. तुम्हें क्या चाहिए. गो टू योर मम्मी. अपनी माँ के पास. डोंट डिस्टर्ब मी. मुझे मत परेशान करो. आई एम
watching TV. मैं टीवी देख रहा हूँ. That is the only thing he can concentrate. क्योंकि वही एक बात है जिस पर वो ध्यान लगा सकते. But a wife can do 25 things at the same time. लेकिन एक जो माँ है वो 25 बातों को एक साथ कर सकती है ध्यान लगाकर. And she will not forget anything. She will not miss. और वो किसी भी बात को भूलेंगी नहीं और किसी भी बात में कोई कमी नहीं पाई जाएगी. Now, man. Don't feel bad. और इसलिए जितने पुरुष हैं आप बुरा ना माने. That's the way his brain is made. क्योंकि इसी रीति से परमेश्वर ने हमारे दिमागों को बनाया है. So praise the Lord for that. इसलिए परमेश्वर की स्तुति करें इस बात. That you can concentrate. कि आप एक बात पर ध्यान लगा सकते हैं. But a woman's ability. That is the way our chemistry work. और इसी रीति से हमारे बीच का जो रिश्ता है वो चलता है. And since it is not a family seminar, क्योंकि एक परिवार के विषय में हम बात नहीं कर रहे. Let me continue this. मैं आगे बढ़ेंगे. With all these blessings, और इन सारी आशीषों के साथ, we try to shower upon our mothers. हम उन सारी आशीषों को जो अपनी माँओं के ऊपर देते हैं. Let me add this. मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूँ. Nothing, I say, nothing can compensate. The sacrifices a mother makes in caring and rearing her child. कि कोई भी बात उन बलिदानों को की तुलना नहीं कर सकती जो एक माँ करती है अपने बच्चों की चिंता और उनका पालन पोषण करने में. And I thank God for the husbands who understand this. और मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी पतियों के लिए जो इस बात को समझते हैं. We cannot do certain things that she can do. और हम कुछ ऐसी बातें हैं जो वो कर सकती हैं हम नहीं कर सकते. At least we can stand with them. लेकिन कम से कम उनके संग खड़े तो हो सकते हैं और उनकी प्रशंसा कर सकते हैं. नो वी कैन नॉट कॉम्पनसेट हर. और हम उनको उसके बदले कुछ नहीं दे सकते. द सैक्रिफाइसेस दैट शी मेक्स इन ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन. वो बलिदान जो उनने दूसरे बच्चों को बड़ा करने में दिए. यू नो व्हाट वी सम पीपल कॉल देम. आपको पता है कुछ लोग उन्हें क्या कहते हैं. मदर्स are hidden heroes. कि माँ उन छुपे हुए हीरोज के समान है. In the heavens account book. और उस स्वर्ग का जो लेखा रखने वाली किताब है. Each godly mother is listed there. और हर एक देव या परमेश्वर का भय मानने वाली माँ का नाम वहाँ पर लिखा है. And their names will be among the list of heroes. और उनके नाम भी उन हीरोज की श्रेणी में मौजूद होंगे. And she will have a very special reward and award in heaven. और स्वर्ग में एक खास पुरस्कार या तोहफा उन्हें परमेश्वर से प्राप्त होगा. And no other heroes can be compared with the mother. और कोई दूसरे हीरो या नायक जो है माँ से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है. I am talking about godly mothers. और मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर का भय मानने वाली माँओं के विषय. And I am also talking about the general mothers who are decent. And they know their responsibility of bringing their children. और मैं बात कर रहा हूँ ऐसी माँओं की जो जानते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है अपने बच्चों को बड़ा करना उस परमेश्वर के भय में. The text we have read from Isaiah. और जिस वचन को हमने यशया नबी की पुस्तक से अभी पढ़ा. There is a revelation of the blessing of Israel in the coming millennium. वो उस आशीष का प्रकाशन है जो इज़राइल को प्राप्त होगा आने वाले 1,000 साल के राज्य के समय. God is assuring them of this blessing. परमेश्वर अपनी आशीष के लिए उन्हें वादा देता है या वापस दोबारा याद दिलाता है. By the way, the last chapters of the book of Isaiah is talk about the end, last days, and including millennium. और यशिया नबी की पुस्तक के जो अंतिम भाग है वो बात करता है अंत के समय के विषय में या अंत के दिनों के विषय में और 1,000 साल का जो राज्य है उस विषय. And the blessing is this. और वो आशीष ये है. God says. परमेश्वर कहता है. These are God's own word. और ये परमेश्वर के खुद के शब्द हैं. As one whom his mother comforts. कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है. So will I comfort you. वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा. I want you to take note of this. मैं चाहता हूँ इस बात पर आप ध्यान लगाइए. In these homely words, कि कैसे इन शब्दों में, we have one of the sweetest and most tender pictures of God we seek to serve
and worship. कि कितनी एक मीठी और सुंदर भूमिका या एक दृश्य हम परमेश्वर का देखते हैं जब हम इस वचन को पढ़ते हैं. A tender picture of our God. वो नम्र दृश्य परमेश्वर का. And this revelation is not in the New Testament. और ये प्रकाशन नए नियम में नहीं है. The New Testament never pictures God as our Father. क्योंकि नए नियम में परमेश्वर को हमारे पिता के रूप में दिखाया गया. But it is found in the Old Testament. लेकिन ये तो पुराने नियम में है. In the New Testament, Jesus teaches us that we should honor God as our Father. क्योंकि नए नियम में यीशु ये शिक्षा देता है या सिखाता है कि हमें परमेश्वर का आदर करना है वैसे जैसे हम अपने पिता का. Think of God as our Father. कि परमेश्वर को अपना पिता जानो. His compassion. उसकी दया. His love. उसका प्रेम. And his ability to help us. और उसकी वो योग्यता कि वो हमारी सहायता कर सके. And when you read this verse, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, what do you get a picture of her? आप किस बात के दृश्य को पाते हैं? The right way of putting this is, जो सही रीति से अगर इसे रखा जाए वो ये है, is mother's heart is tender, loving, sacrificial love. और अगर एक माँ का हृदय नम्र प्रेम करने वाला और वो बलिदानी प्रेम और नम्र हृदय है, who puts that heart in her? उसके भीतर वो हृदय किसने दिया है? It is God. ये तो परमेश्वर ही है. This is God's nature. और यही परमेश्वर का स्वभाव है. Don't think of God as a old man with a frowning face, ready to sitting there and ready to judge. और परमेश्वर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आप ना देखें जिसकी लंबी दाढ़ी और वो एक बड़े सिंहासन पर बैठा है हमारा न्याय करने के लिए. He is more quick and ready to forgive than to condemn. वो तो इतना जल्दी है और जल्दी करता है क्षमा करने में और अपनी दया को दिखाने में. But we cannot take his forgiveness for granted. लेकिन हम उसकी माफी और दया को हल्की रीति में नहीं ले सकते. Your heart should be sincere. आपका हृदय साफ होना चाहिए. And your intention must be pure. और आपका जो विचार है वो शुद्ध होने चाहिए. You have fallen. आप गिर गए. And it is a mistake. और ये गलती है. And you don't consider this just a mistake. You must admit that you have sinned against God. और आप इसे सिर्फ एक गलती ना समझें, लेकिन इसे ऐसे ले कि आपने परमेश्वर के विरुद्ध एक पाप किया है. And with that understanding, you come to God the Father. और उस समझ के साथ आप परमेश्वर पिता के सम्मुख आइए. With repentance, you ask forgiveness. और उस मन फिराने के साथ आप उससे क्षमा मांगिए. God is more compassionate than our earthly father. और याद रखिए, वो परमेश्वर बहुत दया से भरा है हमारे पृथ्वी पर सांसारिक पिताओं से भी कहीं ज़्यादा. He is ready to forgive. और वो तैयार है क्षमा करने के लिए. And change your direction. और हमारी दिशाओं को बदलने के लिए. In the Old Testament, पुराने नियम में, God likens himself to a comforting mother. परमेश्वर अपनी तुलना एक शांति देने वाली माता या माँ से करता है. Yes, a father is also loving. याद रखिए, पिता भी प्रेम करता है. Compassionate. और दया दिखाता है. But for comfort. लेकिन शांति के लिए. Where do children run to? बच्चे किसकी ओर भागते हैं? They run to the mother. वो माँ की ओर भागते हैं. Because there is a tenderness a mother has. That the father does not possess. क्योंकि माँ के हृदय में एक नम्रता मौजूद है जो पिता के पास नहीं है. Her very touch brings the confidence and comfort to a child. और उनका सिर्फ एक छूना ही एक बच्चे के हृदय में या मन में उस हियाव को और उस शक्ति को वापस ले आता है. So the relationship of a girl or a boy to his or her mother is very, very special. And it is intimate. और इसीलिए एक बेटे या एक बेटी का रिश्ता अपनी माँ के संग बहुत खास होता है और वो बहुत गहरा होता है. When my wife went to be with the Lord, जब मेरी पत्नी को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया. I want to read a
a tribute that my daughter Twinkle wrote. तो मैं एक उस लेख को जो मेरी बेटी ट्विंकल ने लिखा था उसमें से कुछ पंक्तियों को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ. It is a good article. और एक अच्छा लेख उन्होंने लिखा. And I would like to read the first paragraph. और उसका जो पहला भाग है मैं आपके समुख पढ़ना चाहता हूँ. This is what she said. और इस प्रकार वो कहती हैं. It was around 8:15 p.m. और ये लगभग शाम के 8:15 हुए होंगे. And I had no idea this would be the last time I will see you sitting up in bed. मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो ये आखिरी समय होगा जब मैं आपको आपके बिस्तर पर बैठे हुए आखिरी बार देखूंगी. And the last time I would see your brightened up face. और अंतिम बार आपके उस महिमा से भरे हुए चेहरे को देखूंगा. And talk about what you wanted to eat. And और उस विषय में बात करेंगे जो आप खाना चाहती हैं. And then it was around 8:25. और लगभग शाम के 8:25 हुए होंगे. And I had no idea. और मेरे पास ये मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था. This would be the last time I hear you call my name. कि ये वो अंतिम बार होगा जब आप मेरे नाम को पुकारेंगी. And the last time hold you in my arms. और ये अंतिम समय अंतिम बार होगा जब मैं आपको अपने हाथों में उठाऊंगी. June 21, 2016. और 21 तारीख जून महीने की 2016 was the day a huge part of me and my life changed forever. एक वो ऐसा दिन था जब मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा मुझसे छिन गया और एक बड़े बदलाव को मेरे जीवन पर लेकर गया. That night, और उस रात I began life without the person who held me the most in her arms in every way. और तब मुझे समझ में आया कि जीवन का क्या मूल्य है उस व्यक्ति के बिना जिसने मुझे जीवन भर सबसे ज्यादा अपने हाथों में संभाल कर रखा उसके ना होने की वजह. And I think in another way of where she said was. अब मुझे ऐसा लगता है दूसरे शब्दों में वो ये कहना चाहती थी. On that day, उस दिन, a part of my life is gone from. मेरे जीवन का एक भाग हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गया. Now she would not be able to write this thing about me as her father. और मेरी बेटी मेरे विषय में इस बात को नहीं लिख पाएंगी एक पिता के रूप में. And I cannot blame her for that. और मैं इसके लिए उन पर कोई दोष भी नहीं लगा सकता. I have to blame myself. मुझे खुद पर दोष लगाना है. But should I blame myself? क्या मुझे खुद पर भी दोष लगाना चाहिए? That also I cannot. ये भी नहीं कर सकता. Because there was a time when these children were growing up. क्योंकि एक ऐसा समय था जब ये बच्चे बड़े हो रहे थे. I was constantly traveling. और मैं निरंतर यात्रा में था. And to the extent that I always have a suitcase ready. As soon as I return from travel, I will have the one suitcase ready for the next trip. और मेरा यात्रा इस प्रकार से था कि एक यात्रा से लौटने से पहले ही मेरा दूसरा suitcase मेरा इंतजार कर रहा होता था दूसरी यात्रा के लिए. And even my wife would know I am leaving only that time when I am leaving. और सिर्फ मेरी पत्नी को भी यहाँ तक तभी पता चलेगा जब मैं उसी दिन में निकल रहा हूँगा कि आज मैं यात्रा के लिए जा रहा हूँ. No, I don't recommend any wife or husband to do that. और मैं किसी भी पति को ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहूँगा. You tell, inform your wife you are giving. लेकिन आप अपनी पत्नियों को पहले से बताएं. And of course, my children had no idea where daddy is. और मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ. Only when I am absent for dinner, they say, "Where is daddy?" और जब मैं रात के खाने या भोजन के लिए नहीं होगा, तब वो पूछेंगे कि पापा कहाँ हैं? That was my life. और ये मेरा जीवन था. So, who was there always? कौन था हमेशा उनके साथ? A mother sacrifices many times a husband the man does not understand. और इसलिए एक माँ का जो बलिदान है उसकी तुलना कई बार हम एक पिता से नहीं कर सकते. That's why I say. और इसीलिए ऐसा कहा गया है. Children, no matter how old you grow. कि बच्चों ये मायने नहीं रखता आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं. I want you to realize that for a parent, you are still his or her child. मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि आप
उनके अपने माता पिता के लिए अभी भी बच्चे ही हैं. Now, Sami is, have you crossed 50 or what? You are there. Now, you know, after one more year, I will be 80. और एक साल और बाद मेरा उम्र 80 साल हो जाएगा. He may be what? 55, 60, something like that. और वो 50 साल से थोड़ा ऊपर हो जाएंगे. But he is still my child. लेकिन वो फिर भी मेरे बच्चे ही हैं. And especially your mother. और खास रीति से आपकी माँ. You should never break her heart by your attitude, by your words, by your actions. कभी भी अपने स्वभाव से, अपने कार्यों के द्वारा या अपने शब्दों के द्वारा अपनी माँ का हृदय आप ना तोड़ें. Today, whatever you are. और आज के दिन आप जो कुछ भी हैं. And in the future, whatever you will be. और भविष्य में आप जो कुछ भी होंगे. There is only one major reason for that. उसके लिए सिर्फ एक महत्वपूर्ण कारण होगा. It is your mother. और वो है आपकी माँ. Whose sacrifices cannot be compensated. जिनके बलिदानों के लिए आप कभी भी उनको चुका नहीं सकते. Many nights she has to sacrifice her sleep. Just to take care of you. You are crying. You don't know. She didn't understand what is the reason. और कई रातों को की नींदों को उन्हें देना पड़ा, बलिदान करना पड़ा, इसलिए क्योंकि आप रो रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि आप क्यों रो रहे हैं. But daddy will be there. लेकिन पिता भी वहाँ मौजूद होंगे. He gets disturbed. और वो जो है परेशान हो जाते. And she started shouting. और वो चिल्लाना शुरू कर. Why this child is crying? कि क्यों ये बच्चा रो रहा है? But how about a mother? लेकिन एक माँ के विषय में क्या कहें? Only she will understand. सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है. She knows child is uncomfortable. वो जानती है कि बच्चे अभी आराम में नहीं हैं. It could be a pain. और ये एक दर्द भी हो सकता है. Pain in the stomach or pain somewhere. पेट दर्द या हो सकता है कहीं और दूसरे अंग में उसे कोई परेशानी हो. But the only way she expresses is to cry, crying. और सिर्फ एक ही रीति से वो इस बात को दिखा सकता है. Don't वो है रोने के crying. और वो रोना रुकता नहीं. And what does she do? और वो क्या करती हैं? Sits on the bed. वो पूरी रात भर बैठी रहती हैं. And keep that child in her arms. और उस बच्चे को अपनी गोद में लिए रहती हैं. Sometimes most of the night. और कई बार पूरी रात भर ऐसा ही चलता है. While the husband and the father is snoring away like. जबकि एक पिता या वो जो व्यक्ति है, पुरुष है, वो दूसरी ओर सो रहा होता है. Can we blame him? क्या हम उस पर दोष लगा सकते हैं? No. नहीं. Even at that time. लेकिन उस समय पर भी. If he tries to carry. अगर वो बच्चे को उठाना चाहे. Most of the children will not be comforted. तब ज्यादातर बच्चे उनके पिताओं के गोद में आराम नहीं महसूस करते. Child can recognize whose arms are embracing her. क्योंकि वो बच्चे पहचान सकते हैं कि किन के हाथों में वो रखे गए हैं. I was told. मुझे ऐसा बताया गया. That a child within the womb. कि एक बच्चा जब गर्भ में होता है. Can recognize his or her mother's voice when that child is only 20 weeks or something like that. I don't remember the exact. 3 months of pregnancy. कि एक बच्चा अपनी माँ की आवाज को जब वो गर्भ में ही होता है और गर्भ सिर्फ 3 महीने का होता है, उस 3 महीने से अपनी माँ की आवाज को पहचान सकता है. So I am right. It's about 18 weeks and. तो लगभग 18 हफ्तों के. She can recognize or he can recognize his mother's voice. इतने 15 से 18 हफ्तों के छोटे से समय में भी वो बच्चा माँ के गर्भ के भीतर से अपनी माँ की आवाज को जान और पहचान सकता है. Now you understand why an infant child can be comforted only by the mother's embrace. अब आप समझ सकते हैं कि क्यों एक नवजात शिशु सिर्फ माँ की गोद में ही उस आराम को पाता है. When a child is born, जब एक बच्चे का जन्म होता है, it takes some time for that child to recognize his father's voice. एक कुछ समय लगता है उस बच्चे को अपने पिता को पहचानने में. And that is the role of a mother. और यही एक जिम्मेदारी है एक माँ की. And uh,
You know, there are two things I want to remind you. और ऐसी दो बातें हैं यहाँ पर जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ. Thoughts that emerge for our consideration. ऐसे विचार जिन्हें जिन पर हमें ध्यान लगाना है. The manifold relationship in which human beings stand to each other. कि वो रिश्ते जिनमें एक मनुष्य एक दूसरे के संग हम खड़े होते हैं. Are all used to reveal the many-sided character of God. वो दर्शाते हैं या उनका प्रयोग किया गया है परमेश्वर के चरित्र को दिखाने के लिए. And it takes them all to unfold His fullness. और इन सारे रिश्ते को लेकर ही हम उसकी परिपूर्णता को दिखा सकते हैं. The Bible talks about the fullness of God. और बाइबल बात करता है परमेश्वर की परिपूर्णता के विषय में. What fills God? कि कौन सी बातें परमेश्वर को भरती है. He is our king, for example. उदाहरण के तौर पर वो हमारा राजा है. And we are his subjects. और हम उसकी सेवक हैं. According to Revelation chapter 15, verse 3. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13वां अध्याय तीसरे वचन के आधार पर. He is the king of all the saints. और वो सारे संतों का राजा है. He is your king. वो आपका राजा है. If you claim that you are a child of God. और अगर आप इस बात का दावा करते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र या पुत्री हैं. And he is my king. और वो मेरा राजा है. And everyone seated here, he is the king over all of us. Who are his worshippers? Who are his followers? इसलिए आज की सुबह यहाँ पर जो भी बैठे हैं वो हम सब का राजा है. As king, what is his responsibility? और एक राजा होते हुए उसकी क्या जिम्मेदारी है? He gives us his laws. वो अपने व्यवस्थाओं को या कानूनों को हमें देता है. You understand? क्या आप समझ रहे हैं? And his laws are seeking thereby to govern us. और वो अपने कानून को या व्यवस्था को इसलिए देता है कि हमें सुचारित रूप से चला सके. फॉर आवर बेनिफिट एंड वेलफेयर. और हमारे लाभ और हमारी ही भलाई के लिए. ऑल द लॉज दैट आर इंस्क्राइब्ड इन दिस बुक. और वो सारी व्यवस्थाएं वो या वो नियम जो इस पुस्तक में मौजूद है. गिवन बाय आवर हेवनली गॉड To govern us. उन सारी बातों को नियमों व्यवस्थाओं को हमारे स्वर्गीय पिता स्वर्गीय परमेश्वर ने हमें दिया. And sometimes, और कई बार, when we teach these laws to God's people, तब हम इन नियमों को परमेश्वर के लोगों को सिखाते हैं. Some of them gets upset. उनमें से कुछ दुखी हो जाते हैं. No, it's very strict. क्योंकि ये नियम कठोर है. Papi Mathai is very strict. और वो कहते हैं पापी मथाई बड़े कठोर हैं. He is unreasonable. और वो उनके संग तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता. Who is he to tell me not to take holy communion? और वो कौन होते हैं मुझे ये कहने वाले कि मैं प्रभु मेज में भाग नहीं ले सकता. I will take. मैं तो लूंगा. You take. तो आप लीजिए. You are free to choose. आप आजाद हैं चुनाव करने के लिए. Anything you want to do. जो कुछ भी आपको करना है. But you are not free to choose the consequences. लेकिन आप अपने परिणामों को चुनने के लिए आजाद नहीं. Many people don't, young people don't think about it. और कई सारे लोग और यहाँ तक खास रीति से जवान इस विषय में नहीं. There is a consequence of every choice you make. हर एक चुनाव जो आप करते हैं उसका परिणाम आपको भोगना. If you make a wrong choice, और अगर आप गलत चुनाव करते हैं, the consequence will be very wrong and you will suffer for it. तब एक परिणाम भी आपको गलत ही प्राप्त होगा और उससे होकर आपको निकलना. Don't come to the pastor, pray for me. और उस समय आप पासवानों के पास आकर ये ना कहें कि मेरे लिए प्रार्थना करिए. Because my prayer is not going to help. क्योंकि मेरी प्रार्थना आपका मदद नहीं करेगा. I have given you advice. क्योंकि हमने मैंने आपको निर्देश दिया. I have told you what the law of God says. और मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का व्यवस्था या कानून क्या कहता है. And you refused to obey it. लेकिन आपने उसका तिरस्कार किया और उसके विरुद्ध गए. I can do it. और आपने कहा मैं ऐसा कर सकता हूं. I will do and let me see what you can do. और आपने कहा मैं करूंगा देखता हूँ आप क्या कर सकते हैं. Why should I do anything? मैं क्यों आपको कुछ करूंगा. It is your God who has given us this law. ये तो परमेश्वर है जिसने इस व्यवस्था को हमें दिया. I am only teaching. मैं तो सिर्फ इस व्यवस्था को आपको सिखाता हूँ. Pastor Sami is only teaching. और Pastor Sami भी सिर्फ सिखाते हैं. We are letting and in our teaching we are uncompromising. और इन शिक्षाओं में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होता. And that you think is strictness. और आपको लगता है कि ये कठोरता है.
See for yourself in God's word. और आप अपने लिए ही खुद इस पवित्र शास्त्र में पढ़िए और देखिए. My brothers and sisters. और मेरे भाइयों और बहनों. God has given this law for what? By these laws we must allow ourselves to be governed. क्यों परमेश्वर ने क्यों ये व्यवस्था ये कानून हमें दिया है? वो इसलिए ताकि हम इनके अनुसार अपने जीवन को रख सकें. If we come and said, brother, the way you are living is not right. Change your ways. और अगर आप हम आपके पास आकर ये कहें कि भाई आपका जीवन नहीं सही है, अपने जीवन को परिवर्तित करिए. Who are you to tell me? तो आप ये कहें, हो सकता है ये कहें कि आप कौन होते हैं मुझे सिखाने वाले? The only authority I have is I am a servant of God. सिर्फ एक ही अधिकार है मेरे पास कि मैं परमेश्वर का दास हूँ. As his servant. और उसका दास होते हुए. I am expected to teach you. और मुझसे ये आशा की गई है कि मैं आपको सिखाऊं. Uncompromising. बिना किसी समझौते के. And it is for our welfare. और ये तो हमारे लाभ के लिए है. These laws are given. कि ये कानून और व्यवस्था दी गई हैं. And from us, God, you know, for our welfare, He gives us laws. और हमारी भलाई के लिए ही वो कानून या व्यवस्था. What does He expect of us? और वो हमसे क्या चाहता है? He expects of us loyalty and our allegiance to Him. और वो हमसे चाहता है कि हम उसके प्रति वफादार बने रहें और उसके प्रति अपनी भक्ति को परिपूर्णता से रखें. Slowly this, और मैं इस बात को बड़े धीरे धीरे so that you clearly understand what I am saying. ताकि बड़ी स्पष्ट रीति से आप समझ सके मैं क्या कह रहा हूँ. God expects our loyalty and our allegiance. कि परमेश्वर हमारी वफादारी और हमारी विश्वास योग्यता को चाहता है. No matter what circumstances you go through. ये मायने नहीं रखता किन परिस्थितियों से होकर आप निकलते हैं. In every situation. हर एक स्थिति में. There is only one person in the entire universe. सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड में. Who will stand with you? जो आपके संग खड़ा रहेगा. That is our God. और वो है हमारा परमेश्वर. He has not promised there will be no storm, there will be no difficulties. उसने ये वादा नहीं किया कि तूफान नहीं आएंगे, परेशानियां नहीं आएंगी. That there will be no sickness. और कोई बीमारी नहीं आएगी. But he did promise. लेकिन उसने ये वादा जरूर किया है. In all this situation, I am with you. कि इन सारी परिस्थितियों में भी मैं तुम्हारे संग रहूंगा. Are you now going through some fire? क्या आप किसी आग से होकर के निकल रहे हैं? God says, don't be afraid. तो परमेश्वर कहता है कि भयभीत ना हो. I am walking with you. मैं तुम्हारे संग चलता हूँ. In the fire. उस आग में. And I will take you through. और मैं उस आग से तुम्हें बाहर निकालूंगा. That is God's way. और यही परमेश्वर की इच्छा है. God's way is not to save us from all these problems. और परमेश्वर का इच्छा या परमेश्वर का तरीका तो यही है कि वो सारी समस्याओं से हमें नहीं बचाएगा. He is not going to save us from the fire. वो हमें आग से नहीं बचाएगा. But his salvation always is there in the fire. लेकिन उसका उद्धार या उसका छुटकारा उस आग में ही हमें मिलेगा. He walks with me. वो हमारे संग चलता है. Hallelujah. Hallelujah. So that we are enabled to go through the fire. ताकि हमें सशक्त बनाए कि हम उस आग से होकर के निकले. Amen. Amen. This thus teaching us and preparing us for the next greater trials in life. ताकि हमें जीवन की और आगे की बड़ी परीक्षाओं के लिए वो तैयार करे. The worldly people don't have this privilege. और संसारिक लोगों के पास ये सौभाग्य नहीं है. Their only solution is to go and kill yourself. उनके सिर्फ एक ही उनके पास उसका उत्तर है कि जाएं और खुद को मार दें. Even today. और आज के दिन भी. After all this pandemic. और इस महामारी के पश्चात. What happened during the pandemic? और इस महामारी के दौरान क्या हुआ? People are still suffering. उसके कारण लोग अभी भी उन बातों से. Many have lost their business. कईयों ने अपने व्यवसायों को खो दिया. Many have lost their good sense. और उन कईयों ने अपने मानसिक रूप से वो अस्थिर हो गए. Depression has filled them. और निराशा से भरे हुए हैं. Many marriages were broken. कई सारी शादियां टूट गईं. All kinds of problem. And today there is most of the young people are now going to the universities. They are changing their course and taking psychology. और कई सारे जो जवान हैं अब विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं और अपने उन विषयों को जिन्हें वो लेना चाहते हैं उन्हें छोड़ करके वो साइकोलॉजी जो विषय है उसे ले रहे हैं. Because the world sees such a need for psychological help. क्योंकि ये जो मनोविज्ञान का विषय है अब ये दिखता है कि संसार में इसकी कितनी बड़ी आवश्यकता. And if you are sitting here as a normal person. और अगर आप यहाँ पर एक साधारण व्यक्ति के रूप में बैठे. You are not going through any
undue heartache or confusion. और हो सकता है आप किसी परेशानी से या किसी बड़े दर्द से होकर नहीं निकल रहे. Thank God for it. परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बात के लिए. Amen. Amen. Why don't you lift up your hands and thank you, Lord? क्यों नहीं आप अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें? That you brought me through this. कि परमेश्वर आप इसके बीच में से भी मुझे निकाल लाए. Still families are suffering. क्योंकि अभी भी परिवार इन पीड़ाओं से होकर निकल रहे हैं. Many have lost their mind. कई सारे लोगों ने अपने मानसिक स्तर को खो दिया. What else to do? अब और क्या करें? Where is the hope? और यो आशा कहाँ पर है? One single family is losing 5 members, 6 members. और एक ही परिवार से 5 लोग, 6 लोगों की एक साथ मृत्यु हो गई. And we conducted some funerals during those days. और उन दिनों में हमने भी कुछ लोगों को दफनाया. In one spot where our people, our believer were buried, we saw 3 grave. और एक स्थान पर जो हमारे विश्वासी को जब हमने दफनाया, हमने 3 और कब्रों को खुदा हुआ देखा. Of the same family. एक ही परिवार से. Father dead, mother dead, brother dead. और पिता की मृत्यु हो गई, माँ की मृत्यु हो गई, भाई की मृत्यु so हो गई. So many wives died and husbands died. कितने सारे पतियों और कितनी सारी पत्नियों की मृत्यु हो गई. Followed by a brother and or a sister. और भाई और बहनों की भी उनके संग. These problems. The world in which we live. और ये वो समस्याएं हैं संसार की जिसमें हम जीते हैं. But what is God's promise? लेकिन परमेश्वर का वादा क्या है? He is our Father. कि वो हमारा पिता है. Hallelujah. Hallelujah. And what does He do? और वो क्या करता है? We are His children. हम उसके बच्चे हैं. Psalm number 103 verse 13 says. और भजन संहिता 103 और उसका 13वां वचन. Like a father feels compassion for his children. कि जैसे एक पिता अपने बच्चों के प्रति दया को दिखाता है या महसूस करता है. Our God has compassion. वैसे ही एक पिता अपनी दया को हमारे लिए रखता है. Hallelujah. Hallelujah. This is our Father. और ये है हमारा स्वर्गीय पिता. And then again in Matthew chapter 6 verse 8. और उसके बाद फिर से मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 8वें वचन में. What does that passage say? और उस वचन में क्या लिखा है? Matthew chapter 6 verse 8. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 8वां वचन. इसलिए तुम उनके समान न बनो क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं. Did you hear that? क्या आपने इस वचन को सुना? Don't be like others. कि दूसरों के समान हम ना बने. Worrying about your needs. कि अपनी आवश्यकताओं के लिए चिंता करते रहते हैं. Jesus says. यीशु ने ऐसे कहा. You have a father in heaven. कि स्वर्ग में तुम्हारा एक पिता है. He already knows what you are need of. और वो पहले से ही जानता है कि किस बात की आवश्यकता आपको है. बिफोर यू आस्क. इससे पहले कि आप मांगे. He is not saying don't ask. वो ये नहीं कहता कि मत मांगो. Asking is our responsibility. मांगना तो हमारी जिम्मेदारी है. But he simply says. लेकिन वो साधारण रीति से कहता है. When you ask, you don't have to cry, oh Lord, you understand. He understand more than you understand your own needs. वो तो ये कहता है कि इस प्र जब मांगते हो तो ऐसे रोते और गिड़गिड़ाओ नहीं, ये समझते हुए कि वो नहीं जानता. And he has already seen your need before you saw it. और उसने पहले से ही आपकी आवश्यकता या जरूरत को देख लिया इससे पहले कि आप उसे देखें. Hallelujah. Hallelujah. Isn't that wonderful? Lift up our hands. क्या ये बात अद्भुत नहीं है? अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें. You are looking forward to tomorrow. और आप तो सिर्फ आगे की कल की ओर देखते हैं. Tomorrow, what are the needs you are going to have? तो कल के दिन आपकी कौन सी जरूरतें होंगी? He has already seen them. उसने पहले से ही उन जरूरतों को देख लिया है. When you are faced with a situation. और इसलिए जब आप एक परिस्थिति का सामना करते हैं. That's why Jesus said, don't worry. और इसीलिए यीशु कहता है चिंता मत करो. He knows it. वो इस बात को जानता है. Hallelujah. Hallelujah. I want to stop here. और यहां पर मैं इसे समाप्त करूंगा. We start at 10 o'clock, right? Yes. Let me close here. और यहां पर मैं संदेश को समाप्त करूंगा. Stand with me. मेरे आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं. The rest of the things here are more important than what I said so far.
और यहाँ पर आगे का जो बचा हुआ संदेश है वो और महत्वपूर्ण है जो अभी तक मैंने आपका से कहा उससे ज्यादा. So I will convey these things to you next Sunday. तो इन बातों को मैं अगले रविवार को आपके सम्मुख रखूंगा. So come prepared. और इसलिए तैयारी के साथ आए. There's some wonderful revelation we have here. बहुत अद्भुत प्रकाशन हमारे पास है. Our God is what? He's like a mother. हमारा परमेश्वर कौन है? As the Father, He provides our needs. और एक पिता होते हुए वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है. He trains us. वो हमें शिक्षित करता है. He corrects us. वो हमें सही करता है. And He educates us. वो हमें शिक्षित करता है. And He does it all in love. और वो इन सारी बातों को प्रेम में करता है. And as a service to us, as members of a great family. और जबकि एक उस महान परिवार के हम सब एक सदस्य हैं. The human family. वो मानव परिवार. You know. Today we have more than 7 billion people on planet earth. और याद रखिए आज के दिन लगभग 7000 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं. How about our heavenly father? We may think among all these even Lucknow population is our only 45 lakhs or something like that. और यहां तक कि लखनऊ शहर का जो जनसंख्या है वो लगभग 50 लाख के आसपास पहुंच चुका है. And we are in a crowd. और मान लीजिए आप एक भीड़ में हो. अरे who cares? Is there anybody who knows me here? We और कौन चिंता करता है? कौन ऐसा है जो मुझे इस भीड़ में पहचानता है? Can I see you if you are standing in the midst of 10,000 people? क्या मैं आपको देख सकता हूँ अगर आप 10,000 लोगों की भीड़ में खड़े हों? No, I don't see. नहीं, ऐसा संभव नहीं है. I may not see. हो सकता है मैं भी ना देख पाऊँ. Unless I keep walking among the crowds and keep looking. और जब तक ऐसा तब हो सकता है जब मैं उस भीड़ के बीच चलना शुरू करूं और सिर्फ आपको. You stand among 1 billion people. और मान लीजिए आप लगभग 100 करोड़ लोगों के साथ खड़े हैं. Our whole population in India is only 1 billion, 1.5 billion. और लगभग भारत की पूरी जनसंख्या लगभग 1,500 करोड़ के आसपास होगी. 1.5 crore. That's all. That's too many people. और ये बहुत सारे लोग हैं. Suppose some miraculous way we are able to come to an auditorium. मान लीजिए एक चमत्कारी ढंग से हम सब के सब एक किसी ऑडिटोरियम के भीतर आ जाएं. ओपन ऑडिटोरियम. एक ऐसा खुला हुआ स्थान. ओके 1.5 lakh व्हाट बिलियन. और वो 1,500 करोड़ लोग एक खुली जगह पर एक जगह इकट्ठा हैं. आवर आईज कैनॉट रीच द एंड ऑफ द क्राउड. तब हमारी आंखें उस भीड़ के अंत के छोर को भी नहीं देख पाएंगी. यू आर स्टैंडिंग देयर. आप वहाँ पीछे खड़े हैं. And I am standing somewhere. और मैं कहीं पर खड़ा हूँ. If I try to see you, will I be able to see you? क्या मैं आपको देखने की जब कोशिश करूँगा तो देख पाऊँगा? But how about our Father? लेकिन हमारे स्वर्ग के पिता के विषय में. He sees you exactly where you are standing. वो आपको देखता है जहाँ पर आप खड़े हैं उस स्थान पर. And at that place, at that time. और उस स्थान और उस समय पर. What you need? आपको जिस बात की आवश्यकता है. He knows. वो जानता है. That is my confidence. और ये हमारा भरोसा है. Hallelujah. Hallelujah. This is our Father God. ये है हमारा स्वर्गीय पिता. He has identified himself to a mother. और उसने अपने आप को एक माँ के रूप में भी पहचाना है. And I will explain to you next week. और अगले हफ्ते मैं इसे और सुचारू रूप से आपको बताऊंगा. So amazing Father in heaven. और कितना अद्भुत वो स्वर्गीय पिता है. Can we ever find a God like this? क्या हम कभी भी एक ऐसे परमेश्वर को कभी पा सकते हैं? He say, I am your father. जो कहता है मैं तुम्हारा पिता हूँ. I feel, how can we displease him? और मुझे ऐसा लगता है कैसे हम उसके प्रति अनादर कर सकते हैं? How can we hurt him? कैसे हम उसे दुख पहुँचा सकते हैं? A mother is so hurt. और एक माँ इतना दुखित है. And silently she suffers. और बड़े शांति के संग वो उस दुख से होकर निकलती है. When her son or daughter is not listening to her. जब उसका बेटा या बेटी उसकी नहीं सुनते. She sits there weeping and with tears. और वो बैठती है वहाँ पर रोते हुए. Never cause your mother to cry.
और कभी भी अपने माँ को आप रोने पर मजबूर ना करिए. लव हर, उसे उनसे प्रेम रखिए. एंड डू यू अ मैक्सिमम टू कंफर्ट हर, टू बी अ कंफर्ट एंड अ जॉय टू हर. और अपना सबसे अधिकतम आप दीजिए कि आप उन्हें खुश कर सके. You will never be able to compensate her the sacrifice she makes. और कभी भी उन बलिदानों को आप नहीं चुका सकते जो उन्होंने आपके लिए दिए. Thank God. परमेश्वर का धन्यवाद. That we have a Father in heaven. कि हमारे पास स्वर्ग में एक पिता है. Who has a compassionate, comforting heart of a mother. जिसके पास एक माँ का हृदय है जो हमारे लिए दया और करुणा से भरा है. Just lift up our hands. आइए अपने हाथों को उस परमेश्वर के लिए. Open our mouth with our voice. और अपने मुंह को खोलकर अपनी आवाजों से हम उस परमेश्वर का स्तुति करें. And praise God. और परमेश्वर का स्तुति करें. Father, we thank you. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं. Thank you for my mother. और धन्यवाद मेरी माता के. Thank you for my father. धन्यवाद मेरे पिता के लिए. Thank you for my brothers and sisters. धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों के लिए. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Hallelujah. Hallelujah. Worship him. हम उसकी आराधना करें. I want to pray for you mothers. और जितनी माएं आज की सुबह यहाँ मौजूद हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. I want all the mothers here to come. मैं चाहता हूँ जितनी माएं आज की सुबह इस भवन में मौजूद हैं, इस वेदी के सामने आ जाएं. From up there, standing there, if you are a mother. और ऊपर से लेकर ऊपर जितनी माएं मौजूद हैं, वो भी और जितने नीचे हैं. And they call them up. And they please come close to the altar. कृपया करके इस वेदी के निकट आ जाएं. All the mothers. जितनी माएं यहाँ मौजूद हैं. Whether you have only one child. चाहे आपके पास एक बच्चा हो. Or 10 children. या 10 बच्चे हो. You are a mother. आप एक माँ हैं. And you know the sacrifices you made. और आपको पता है वो बलिदान जो आपने दिए हैं. And as you stand here before the Lord. और जैसे आप परमेश्वर के वेदी के सम्मुख यहाँ पर खड़े हैं. Remember you are standing. और जहाँ पर आप खड़े हैं. Before a God who possesses a comforting mother's heart. और इसलिए याद रखिए, ये जानते हुए आप इस स्थान पर खड़े हुए कि आप एक ऐसे परमेश्वर के सम्मुख खड़े हैं जिसके पास एक माँ का हृदय है. And he knows. और वो जानता है. Before you ask him, he has already knew. और इससे पहले कि आप उसे मांगे, वो पहले से आपकी आवश्यकताओं को जानता है. Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम धन्य. I want all the husbands standing there. खास याद रखिए, ये वेदी पर ये प्रार्थना माओं के लिए की जा रही है. तो सिर्फ माएं इस वेदी पर आएं. To stretch out your hand towards your wives. और आइए बाकी लोग जो इस भवन में मौजूद है, अपने हाथों को इन माओं की ओर बढ़ाकर हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे. And even if you are not married. और अगर आपकी अभी शादी नहीं हुआ है. You are a child. आप एक बच्चे हैं. You stretch out your hand towards them. तब आप इन माओं की ओर अपने हाथों को. Your mother is standing here. आपकी माँ यहाँ खड़ी है. Hallelujah. Hallelujah. God is a great and mighty God. परमेश्वर एक महान और शक्तिशाली परमेश्वर. Come on, let us all lift up our hands towards God. और आइए हम सब अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं. Hallelujah. Hallelujah. Motherhood is the greatest and the most glorious privilege in this world. और याद रखिए कि ये मात्र माँ बनना एक परमेश्वर की ओर से एक सबसे बड़ा जिम्मेदारी और सौभाग्य है. You are a hero. Who cannot be compared with any other heroes of this? और एक आप ऐसी नायिका हैं जिनकी तुलना किसी और नायक या नायिका से नहीं की जा सकती. And your name is not published. और आपका नाम हो सकता है सार्वजनिक रूप से दिखाया या बताया ना जाए. The world does not know you. और संसार भी आपको नहीं जानता. Your own neighbors may not know you. और हो सकता है आपके खुद के लोग आपको ना जानते. But heaven knows you. लेकिन स्वर्ग आपको जानता है. And in heaven's record. और परमेश्वर के उस पुस्तक में. You are the heroes. और आप परमेश्वर की किताब में आप नायक नायिका हैं. Hallelujah. Hallelujah. And we bless the Lord this morning. और इसलिए हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं आज की सुबह. Let us rejoice in him. आइए हम उस परमेश्वर में आनंद मनाएं. Mothers, you lift up your hands to God. जितनी माएं हैं अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाइए. And with your mouth you confess, Lord God Almighty, I am so grateful to you for the motherhood you have granted to me. और अपने मुख से इस बात का अंगीकार करिए परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं धन्यवादित हूँ कि एक माँ बनने का सौभाग्य आपने मुझे दिया है. Hallelujah. 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 Thank you, Lord, for my mother. और धन्यवाद परमेश्वर इन सारी माओं के लिए. Let every child pray that prayer. और होने दे हर एक बच्चा
इस प्रार्थना को खरे। Thank God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। And mothers, और जितनी माएं हैं, God has already seen and recorded your sacrifices. परमेश्वर ने आपके बलिदानों को देखा है और लिख लिया है। You know, mother is a silent. She is silent, and she does not make any noise. She does not demand anything for taking care of your children, fathers. और माँ एक शांत रहने वाला माँ इस प्रकार है कि वो किसी भी बात को शांति से सह लेती है और उन बच्चों का ख्याल रखने के लिए किसी भी प्रकार की मांग को नहीं रखती कि उसे ये चाहिए। You are robbed of your sleep. और आपकी नींद को आपने बलिदान किया है। Many times you could not eat because of your grief. और कई बार अपने दुख के कारण आपने कुछ खाने को नहीं खाया। God has seen it all. परमेश्वर ने सारी बातों को देखा है। But you never complained. लेकिन आपने कभी शिकायत नहीं करी। You never demanded anything. किसी बात को मांगा नहीं, शर्तें नहीं रखी। You simply did it for the love of that child. लेकिन आपने सिर्फ उस बच्चे के प्रेम के लिए उसको किया। Hallelujah. Hallelujah. Lord, our heavenly Father. हे हमारे स्वर्गीय पिता। We thank you that you are our Father in heaven. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि स्वर्ग में आप हमारे पिता हैं। You not only possess the compassion and love and abilities of a earthly father. ना केवल एक पृथ्वी का जो पिता है उसका प्रेम, उसका दया और करुणा आपके भीतर है। But you also possess the loving, comforting heart of a mother. लेकिन साथ ही साथ एक माँ का जो प्रेम करने वाला, सद्भावना देने वाला, शांति देने वाला हृदय है, वो भी आपके पास है। And therefore, और इसलिए, we know that you understand the silent cries that the mothers make when हम इस बात को जानते और समझते हैं कि वो एकांत में तूने इन सारी माँ के रोने और आंसुओं को देखा। And I thank you for all these mothers who are standing here. और मैं धन्यवाद करता हूँ सारी माओं के लिए जो आज की सुबह इस वेदी पर हैं। They have brought up children. और उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है। And in the process, they had to make certain sacrifices. और इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने कई सारे बलिदानों को करना पड़ा। And they did it all in love. और उन्होंने इन सारे बलिदानों को बड़े प्रेम के साथ किया। Dreaming of a day when her children will grow up to be responsible and honorable citizens of India. और ताकि वो अपने बच्चों को इस प्रकार बड़ा करने पाएं कि वो इस देश के अच्छे नागरिकों के रूप में, सम्मानजनक नागरिकों के रूप में बड़े होने पाएं। And I thank you for the contributions they have made in the lives of the children you have given. और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं उन सारे सहयोग, उस सारी सहायता को जो तूने इन माओं को बच्चे दिए, उनके जीवनों में इन्होंने दिया है। And now, Lord, as they continue their journey as mothers. अब परमेश्वर जबकि ये अपनी यात्राओं को एक माँ के रूप में जारी रखती हैं। Whether their children are now grown up and married and have their own families. और भले ही इनके बच्चे बड़े हो करके उनकी शादी हो गई, उनके अपने परिवार ही क्यों ना हो। But nevertheless, they are still these mothers' children. लेकिन फिर भी वो इन माओं के ही बच्चे हैं। And I thank you for that love that is in her heart even now. और पिता हम धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए जो अभी भी इनके हृदयों में है। And I pray that every sons and daughters standing here, they shall be responsible children, caring children, and loving children, and taking care of their mothers and fathers in the days to come. और मेरी प्रार्थना ये है कि जितने भी बच्चे यहाँ आज की सुबह हैं, वो इन अपने माता पिताओं के प्रति उनका आदर करने वाले, उनका सम्मान करने वाले, उनकी चिंता करने वाले और उनसे प्रेम रखने वाले बच्चे। And remembering the truth. और इस सच्चाई को याद करते हुए। That no compensation can ever, nothing that they do can be a sufficient strong compensation to the sacrifices they made. और इस बात को जानते और समझते हुए कि उनकी माँओं ने जो बलिदान किए हैं, उनका वो दाम किसी भी बात से नहीं चुका सकते।
Bless them, O Lord. पिता इन माओं पर आपका आशीष हो. Now in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. और अब परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में. I bless you, mothers. मैं आप सारी माओं को आशीषित करता हूँ. That your effort will bring forth much fruit for you in the days to come. होने दे आपके प्रयत्न आपके लिए आने वाले दिनों में कई सारे बहुतायत से फल को लेकर. Let your children's love continue to flow into you. होने दे आपके बच्चों का प्रेम निरंतर आप में बहता रहे. As you let your love flow into them. जैसे आप अपने प्रेम को उनमें बहने देते हैं. Grant to these mothers your grace and wisdom, O Lord. परमेश्वर अपने ज्ञान बुद्धि और अनुग्रह को इन माओं को आप दीजिए. And now those who are young mothers. और खास रीति से वे जो जवान माएं हैं. You need grace of God and the wisdom of God to bring up your children. और आपको परमेश्वर के अनुग्रह और बुद्धि की आवश्यकता है कि आप अपने बच्चों को उसके अनुग्रह में बड़ा करें. Never forget to train up a child in godly way. और कभी भी भूले ना एक बच्चे को परमेश्वर के तौर तरीकों में उसके भय में बड़ा कर दे. That is the responsibility of both the father and mother. और ये एक जिम्मेदारी है एक माँ और पिता दोनों की. So fathers, और इसलिए जितने पिता यहाँ हैं, you cooperate with your own wives. तब आप अपनी पत्नियों के संग उनका सहयोग करें. In teaching the children the ways of God. कि आप बच्चों को परमेश्वर के मार्ग और शिक्षाओं को दें. And mothers, और जितनी माएं हैं, God's blessing be upon you. परमेश्वर का आशीष आप सब के ऊपर. Your tears are rewarded. आपके आंसुओं का पुरस्कार आपको प्राप्त होगा. And your prayers will never go in vain. और आपकी प्रार्थनाएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगी. Continue to pray. और निरंतर प्रार्थना करते रहें. That your children will walk in the ways of God. कि आपके बच्चे निरंतर परमेश्वर के मार्ग में चलते रहें. May the blessings of God be upon you. उन्हें दे परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर हो. Amen. Amen. You did it all for God. और आपने इन सारी बातों को परमेश्वर के लिए किया है.